तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये बूटी लेकर आई हूँ आपके लिए। बूटी कह सकते हैं आप इसे, शूज़ कह सकते हैं, सॉक्स कह सकते हैं, जुराब, मोजे, कुछ भी कह सकते हैं। आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, रैबिट बनी डिज़ाइन इसको कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी दो आईज़ बनाई हैं, फेस, ईयर, सारा कुछ इसमें बनाया है। और बहुत ही वॉर्म रहते हैं इस तरह से, ये बच्चों के ऊपर तक आते हैं, पैरों में, पंजों के ऊपर तक आते हैं। और साइज जो है इसका 2 से 3 साल के बच्चे का मैंने बनाया है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा स्लिम है तो 3.5 साल तक के बच्चे को भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। और ऊन जो है इसमें बहुत कम ऊन लगी है, क्योंकि ये साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, 3.5 साल तक के आ जाएगा बच्चे को। इसलिए एक सॉक्स में इसमें 20 ग्राम के करीबन ऊन लगी है, दोनों सॉक्स में 40 ग्राम की समथिंग ऊन लगी है, ठीक है। और कलर कॉम्बिनेशन आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 कलर में बनाइएगा तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप सिंगल कलर में बनाएं या 2 कलर में बनाएं, ठीक है। पूरी निटिंग मैंने यहाँ पे इसमें गार्टर स्टिच में की है, 2 पीस में ये बन के तैयार हुआ है ना। और 10 नंबर की मैंने इसमें निडल यूज़ की है, बेबी वूल यूज की है वर्धमान की। और आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है। तो चलिए फिर इसका वीडियो देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। और हाँ गाइस, एक बात और, मेरा जो दूसरा चैनल है ना, उसके वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस चैनल पे भी। तो अगर आपको स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड या कोई भी समस्या है, DIYs वहाँ पर शेयर करती हूँ मैं, ब्लॉग्स भी बनाती हूँ और मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे वो वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। रिव्यू वीडियो भी लेकर आती हूँ, उस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर इसका वीडियो देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये वाली वाइट वूल का यूज़ कर रही हूँ और ये वाली ब्लैक वूल है, ठीक है। और भी है, बट अभी मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना ही दिखा रही हूँ। और 4-ply वूल है, नॉर्मल वूल है, बेबी सॉफ्ट वाली, बहुत सॉफ्ट है। 10 नंबर की मैं यहाँ पे सलाइयाँ यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हमें देखिए इस तरह से 30 फंदे डाल लेने हैं। देखिए फंदे डालना मैंने मेरे चैनल पे बताया हुआ है, इसका फुल ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, आप वो देख सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो। 4, 5, इस तरह से मैं 30 फंदे डाल लूंगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे 30 फंदे डाल लिए। अब मैं यहाँ पर रॉन्ग साइड से हूँ। अब देखिए करना क्या है, सभी फंदों को मैं या तो आप सीधा सीधा बुन लीजिए या आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए, ठीक है। तो सभी फंदों को मैं यहाँ पे इस तरह से सीधा सीधा बुनूंगी। पूरी लाइन सीधा बुनते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। देखिए लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद यहाँ पे हम दूसरी साइड आ जाएंगे, ठीक है। आप एक चीज देखिएगा, चाहे आप इसको सीधी तरफ से शुरुआत करो चाहे उल्टी तरफ से, ठीक है, आपको सीधा सीधा ही दोनों तरफ से बुनना है, ठीक है। इस तरह से देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरी सिलाई को भी पूरा इस तरह से हम सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा सीधा बनाना है, इस सिलाई को भी सीधा बना लेंगे। देखिए 2 सिलाइयाँ हो गई मेरी कंप्लीट। अब एक चीज़ देखिएगा, आपको ऐसे ही करते जाना है, जैसे ये 2 सिलाइयाँ आपने बनाई हैं अभी, सेम यही आपको रिपीट करते हुए जाना है। अब देखिए एक ही आपको धारी दिख रही होगी, है ना, ये लाइन देखिए ये वाली, 2 सिलाइयों से मिलकर एक ही लाइन बनती है, ठीक है। तो ऐसी लाइन्स आपके पास 30 आ जाए, आपको ये इतना बनाना है, 30 फंदे पर 30 लाइन आ जाए, आपको ये इतना बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि 30 फंदे होंगे आपके पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 30 फंदे होंगे और 30 ही धारियाँ होंगी। धारियाँ यानी कि 60 सलाइयाँ आपको बना के कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 30 लाइंस बना के कंप्लीट कर ली हैं, मैं काउंट करके बताती हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 लाइन यानी कि ये हमारी 60 सिलाइयाँ बनके कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब मैं फ्रंट साइड से हूँ, अब मैं यहाँ पे इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। देखिएगा फंदा स्लिप करेंगे और इस तरह से एक फंदा बुनेंगे और इस फंदे को ऐसे हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से सभी फंदों को मैं बंद कर लूंगी।
देखिए सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। इसके बाद हम धागे को कट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्वायर हमने बनाया है 30 धारियां हो, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है, 30 धारियां हो या ना हो सबसे पहले आपको ये देखना है। यहाँ पे हमने फंदों को बंद किया, ये आपका इस तरह से स्क्वायर आ जाए पूरी तरह से, ये देखिएगा इस तरह से। तो जैसा मैंने एक ये वाइट पीस बनाया ऐसा ही मैंने यहाँ पे एक ये ब्लैक कलर का पीस बनाया, सेम टू सेम सेम दो पीस, एक ब्लैक और एक वाइट बनाना है। आप कलर कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ब्लैक और वाइट रखा है। हाँ दो कलर आप ले लीजिएगा, कोई भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रैबिट लुक में है ना, तो इसलिए इसका थोड़ा सा दो कलर में ही हमें लेना होगा इसको। अब सिलना कैसे है, अब देखिए एक पैर के तो ये दो पीस बनाने हैं, अब दूसरे पैर के लिए आपको सेम ऐसे ही दो पीस और बनाने हैं, यानी कि दोनों पैर के लिए आपको सेम जैसा मैंने आपको बताया है ये वाइट वाला, ऐसे ही टोटल चार पीस बनाने हैं, दो ब्लैक और दो वाइट, 30 फंदों पर 30 धारियां, और दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए इसको स्टिच किस तरह से करना, ये चीज देखिए, वाइट पीस को आप रखेंगे ऐसे, कोई भी पीस आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर आप रखेंगे सीधा उल्टा देख लीजिएगा, बस ये सीधा है और इसके नीचे हम सीधा ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। हमने दो पीस रख लिया, अब यहां से लेके देखिएगा सिलना कैसे, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां से यहां तक एल शेप में, ठीक है, ये वाला यहां से यहां तक आपको सिल देना है आपस में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये ओपन रहेगा तो यहां से यहां तक मैं सिलती हूं। पहले देखिए इस तरह की सुई ले लीजिएगा सिलने के लिए, डिटेक्ट नहीं हो रही है, यस देखिए इस तरह की, कैसे भी सिल लीजिएगा जैसे भी आपको समझ में आए। इसका कोई स्पेशल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे नहीं ऐसे सिलना है, ठीक है, यहां से पूरा यहां तक सिलना है इसको। देखिए यहां से यहां तक ये मैंने सिल लिया, ठीक है, अब ये वाला पार्ट सिलना है मुझे, अब इसको सिल लूंगी मैं यहां से यहां तक। अब देखिए ये मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया यहां से यहां तक, ठीक है। अब क्या करना है, इस तरह से आप इसे रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, अब ब्लैक वाले पार्ट को आप इस तरह से रखेंगे, देखिएगा इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है, ऐसे रख के ब्लैक वाले पार्ट को ऐसे कोना मिलाएंगे, ये वाला कोना और ये वाला कोना, इसको इस तरह से यहां पर टांका लगाएंगे, और वाइट वाला पार्ट यहां पे इस तरह से, समझ में आ रहा है, ये इससे और इससे, ये तीनों आपस में आप सिल देंगे, फिर यहां से ये सिलाई लगा देंगे, यहां से ये, मैं लगा के दिखाती हूँ, फिर से देखिएगा एक बार, ऐसे है ब्लैक वाला, इसको आप उठाएंगे ऐसे उठाएंगे, अब देखिए इस तरह से, नजदीक से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है, इसको उठा लेंगे कॉर्नर को, इसके साथ इसे अटैच कर देंगे, अब देखिएगा ये वाले जो खुले एरिया है यहां से यहां तक आपस में सिलेंगे और यहां से यहां तक सिलेंगे, मैं बताती हूँ आपको, एक तरफ का देखिए इस तरह से, पूरा सिल लेंगे यहां तक, देखिए इस तरह से मैंने ये वाला पार्ट सिल लिया। अब जैसे मैंने ये सिलाया सेम ऐसे ही मैं इसको भी यहां से यहां तक सिल लूंगी, देखिएगा ये सिल दिया मैंने, अब हम इसको सीधा कर लेंगे, देखिए सीधा कर लिया हमने,
ये देखिए कुछ इस तरह से आया है। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम फेस बनाएंगे और इसके ईयर्स बनाएंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया बनके, सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी ये ईयर्स बनाऊंगी और ये आईज और ये फेस, ठीक है। तो ईयर्स इसके किस तरह से बनाने हैं ये देख लीजिएगा आप। ईयर्स बनाने के लिए यहाँ पे सफ़ेद कलर की ऊन का यूज कर रही हूँ मैं, वाइट कलर की। इस तरह से क्रोसिया से बनाऊंगी मैं इसके कान। देखिए इस तरह से एक सर्कल बना के, अब मुझे 16 चेन्स बनानी है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। अब इस तरह से नेक्स्ट एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल हाफ क्रोशिया करना है। देखो इस तरह से, एक मिनट, कलर हो रहा है। डबल हाफ क्रोशिया करना है, ये वाली चेन स्किप करेंगे, इस वाली चेन में से ले लेंगे। फिर अगली वाली में से डबल हाफ, नेक्स्ट में से डबल हाफ, ऐसे ही डबल हाफ क्रोशिया करते हुए हम पूरी चेन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चेन में से डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इस लाइन को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब देखिए लास्ट में आ गए हम। अब ये लास्ट वाली चेन जो है, ये डबल हाफ क्रोशिया करते हुए लास्ट में आ गए। ये देखिए इसमें से हम 5 बार डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। 1, सेम स्पेस में 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये सर्कल सा बन गया। अब हम यहाँ पे घूम जाएंगे, अब नेक्स्ट वाले में डबल हाफ क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से डबल हाफ क्रोशिया करते हुए हर एक चेन में पूरा लास्ट में आएंगे। इस तरह से देखिए लास्ट में आ गई। अब ये लास्ट वाले में हम 5 बार डबल हाफ क्रोशिया करेंगे इस चेन में। इस तरह से 1, 5, ठीक है। 5 बार डबल कर हाफ क्रोशिया किया और यहाँ पे इसे हम ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए गोल राउंड आ गया। अब जैसा हमने एक ये पीस बनाया है, सेम ऐसा ही हम एक और बना लेंगे। इसको कट कर देंगे धागे को। जैसा ये बनाया है सेम ऐसा ही एक और बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ईयर बना रहे हैं बनी का। जैसा ये बनाया ना सेम बना लेंगे ऐसा। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से, देखिए मैंने 2 ईयर बना लिए हैं और एक मैंने यहाँ पे ये आईज बना ली है ये वाली, और एक मैं आपको बना के दिखा दूंगी साथ के साथ। इसके बाद ये इसकी इसका फेस बना के दिखाऊंगी। अब हम आईज बनाएंगे ऐसी दूसरी वाली, तो इसके लिए मैजिक सर्कल बनाएंगे एक इस तरह से। देखिए ठीक है, और एक चेन ले लेंगे। इसके बाद इसमें हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसमें। 10 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं और ये मैजिक नॉट जो मैंने लगाई थी, ये जो धागा है इसको खींच देंगे और यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। वैसे तो खैर सबको आता है ये बनाना, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता दे रही हूँ ये आपको। इसको कट कर देंगे, धागे को पीछे ले जाके यहाँ पे हाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक आईज यहाँ पे बन गई है और एक ये है मेरे पास। अब हम इसका ये वाला फेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये फेस किस तरह से बनाएंगे ये देखिएगा। जैसे हमने ये ईयर बनाया था ना 16 चेन से, इसको हम बनाएंगे 8 चेन से। उसकी जस्ट हाफ, और सेम तरीका वही रहेगा। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, और मैं आपको बताना भूल गई, क्रोशिया मैंने यहाँ पे 3 mm का लिया है। अब ये नेक्स्ट वाली चेन में हम यहाँ पे डबल हाफ क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ नेक्स्ट में डबल हाफ क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया करते हुए पूरा यहाँ तक आएंगे। लास्ट में हम 5 बार डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। लास्ट वाले में आ गए, देखिए हम लास्ट में हमने एक ही निकाला, अब इसी में अब हम 4 बार निकालेंगे, है ना, 5 बार नहीं निकालेंगे। इसमें 2 हो गए और ये 3 और ये 4, 5 बार में ये ज़्यादा गोल हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से यहाँ तक पूरा डबल हाफ क्रोशिया करेंगे, फिर लास्ट में 4 डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। लास्ट में आ गए हम 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, धागे को कट कर देंगे, पीछे ले जाके धागे को हाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम इन सभी चीज़ों को स्टिच करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर लेंगे और इस तरह से ऐसे रखेंगे और यहाँ सेंटर में अटैच कर देंगे इस तरह से, यहाँ पर टांका लगा देंगे इसमें, इस तरह से टांका लगा देंगे यहाँ पे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये अटैच कर दिया, पीछे ले जाके इसको टक कर दिया है। अब हम इसका ये वाला फेस बनाएंगे, तो इस तरह से रखेंगे इसको और इसको हम इन दोनों सिलाई के बीच में, ये वाली और ये वाली सिलाई के बीच में इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से लेके पूरा राउंड में स्टिच कर लेंगे। अब देखिए, एक आंख मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई है, एक आंख यहाँ पे जस्ट लगा देनी है। आपको लगा के दिखाते हैं, इस तरह से तो देखिए यहाँ पे ये आईज लग के तैयार हो गई हैं और ये शूज़ बन के कम्प्लीट हो गया है। बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये मेरे ख्याल से आराम से 3 साल के बच्चे को ये बहुत आराम से आ जाएगा। 2 से 3 साल के बच्चे को बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, 3, 3.5 साल तक इवन चला जाएगा ये शूज़, है ना। तो इस तरह से ये रैबिट के ईयर्स बन गए हैं। और आप चाहें तो इसमें एक पोम पोम लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए बैक साइड पे इस जगह पे बना के एक पोम पोम भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शैतान है, पोम पोम बिल्कुल भी नहीं रहने देते हैं ना। तो देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद, देखिए इसका लुक। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से सबसे पहले मिल जाए, और शेयर कीजिएगा सभी के साथ, कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, या आप कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।